अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल जो कि फिजिक्स का आज हम देखेंगे, उसका नाम है हाउ टू फाइंड अ रिलेशनशिप ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड पोटेंशियल अक्रॉस इट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ओहम लॉ के मुताबिक जिस तरह आपने देखा था कि ओहम लॉ में हमारे पास जो फार्मूला था वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई करंट को कहते हैं, वी वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं, और हमारे पास जो आर है वो रेजिस्टर होगा जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इनका हमने रिलेशनशिप देखना है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमारे पास एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है, ठीक है, बिटवीन वी जो कि वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अगर हम देखेंगे कोई भी टंगस्टन फिलामेंट है या कोई और चीज़ हम लगाते हैं जो कि नॉन ओहमिक डिवाइस है, तो उसके मुताबिक कैसा ग्राफ बनेगा जो कि नॉन ओहमिक होगा, ओहम लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा। तो उसके मुताबिक हमने आज का प्रैक्टिकल देखना है कि हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा और टंगस्टन फिलामेंट में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन हम क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, तो बॉक्स में आपका ऑपरेटर्स का नाम स्टार्टिंग में लिखा हो, ठीक है, उसके बाद हमने इसका ऑपरेटर्स लिखना है कि इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन सा कनेक्ट है, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये अगर बॉक्स में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं और किस तरह कनेक्ट हैं, तो ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कॉइल लगी हुई है जो कि आपको यहाँ पे टर्निंग नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर का एक सिंबल है जो सर्किट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इनपुट नज़र आ रही है 220 जो कि इस वायर के थ्रू आपको यहाँ पे शो की जाएगी। ठीक है, तो ये इनपुट आपको एसी मिल रही है, तो एसी के बाद ये क्या करता है, स्टेप डाउन करेगा ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन करने के बाद इसमें आपको नज़र आ रहा है ये डिफरेंट कनेक्शन यहाँ से हम उठा रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आगे देख रहे हैं हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या वर्क कर रहा होता है, इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज को वेरी करता रहेगा, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर के हिसाब से, मतलब इसको हम रोटेट करेंगे और हमारे पास वोल्टेज चेंज होता रहेगा। फिर आगे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एसी है और आगे हमने इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में, ठीक है, ताकि हमारे पास ये डीसी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर यूज़ होता है फॉर जो कि हमारे पास स्मूथिंग ऑफ वेव, ठीक है, वेव को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ देखनी है, हमने करंट और वोल्टेज को देखना है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसका मतलब ये एमीटर लगा हुआ है, और जहाँ पे वी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर है। तो हमने बेसिकली इन दोनों की रीडिंग ही मेजर करनी है, ठीक है, और किस हिसाब से मेजर करनी है, जो कि मैंने शुरू में बताया था टंगस्टन फिलामेंट लैम्प के हिसाब से, वो यहाँ पे लगा हुआ है लोड के साथ, ठीक है, तो ये लोड होता है जहाँ पे ड्रॉपेज होती है वोल्टेज की, जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है और करंट उसमें से कितना पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर था। ऑपरेटर के बाद अब हम इसका कनेक्शन देखेंगे, ये कनेक्ट किस तरह हुए हैं, कि हमारे पास अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये इसका सर्किट समझा दें, ये किस तरह कनेक्शन हुई है, ठीक है, तो वो आप बता सकें इजीली। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, डिफरेंट इसकी वायर्स जा रही हैं, इससे क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डिफरेंट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वोल्टेज हमारे पास अलग होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है, और वो कहां से हमें पता चल रहा है, इस पोटेंशियोमीटर की मदद से, जो कि ये डायरेक्ट कनेक्ट है विद ट्रांसफार्मर, जिससे हमें वोल्टेज चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रांसफार्मर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो कि डाउनवर्ड, जिसको नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब इसको ग्राउंड कहते हैं, जो कि सीधा ग्राउंड लोड के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर डायोड के साथ कनेक्ट है, और डायोड आगे हमारे पास डीसी जो कि कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है पैरेलल में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट आ रहा है, यहाँ से वायर जा रही है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो एमीटर लगा हुआ है वो सीरीज़ में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीरीज़ में कैसे लगा हुआ है, ये आपको यहाँ पे बल्ब की बिल्कुल सीरीज़ में, ये पैरेलल में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन आपकी सीरीज़ में नज़र आ रही है विद बल्ब, डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज को देखूँ, तो वोल्टेज आपके पास लोड के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस कनेक्शन के साथ वोल्टेज लगा हुआ है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे देखें ग्राउंड के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वोल्टेज है ये पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, और एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, बल्ब के साथ, जो कि हमने टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल वर्क किस तरह करेगा, और इसमें हमने रिकॉर्डिंग करनी है इसकी रीडिंग्स की, ताकि हम टेबल बना सकें, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ये एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, इसी के मुताबिक हमने रीडिंग नोट करनी है वोल्ट की और एम मीटर की, ठीक है, तो जिसके मुताबिक हमें टेबल फिल करना होगा। तो आस्ते आस्ते आप देखते जाएंगे बल्ब भी ग्लो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रीडिंग आना स्टार्ट होंगी। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस
पॉइंट को जिसको मैंने कहा था पोटेंशियोमीटर, इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको फर्स्ट टर्न दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीडल मूव करती हुई नज़र आ रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं और बल्ब को आप देखेंगे यहाँ से ग्लो करना स्टार्ट कर दिया बल्ब में, ठीक है। मैं एक और यहाँ से टर्न देता हूँ तो आपके पास रीडिंग फिर चेंज हो गई है, हमारे पास रीडिंग आप यहाँ से नोट करते जाएंगे, ठीक है। एक टर्न देंगे, रीडिंग नोट करेंगे, फिर टर्न देंगे, फिर रीडिंग नोट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ग्लो भी देखेंगे साथ साथ चेंज होता जा रहा है, ड्रॉपेज जो लोड है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखें तो एक और टर्न दिया तो वोल्टेज फिर और करंट की वैल्यू फिर चेंज हो गई और यहाँ पे ग्लो भी चेंज हुआ। फिर हमने एक लास्ट टर्न दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो एम मीटर है वो हमारे पास रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, और इस तरह वोल्ट मीटर भी रीडिंग शो कर रहा है और ये ग्लो भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल टर्न है लास्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टर्न नहीं हो सकता, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर डिफरेंट लगा लें, ठीक है, लेकिन वो बना बनाया सर्किट है जिसकी वजह से आपको ये नहीं कर सकते आप रीडिंग्स, तो इस वजह से यहाँ पे रीडिंग ये फुल मैक्सिमम वोल्टेज आ गया है जिसको हम यहाँ पे 15 वोल्ट कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रीडिंग हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ रही है 1.6 एम्पियर रीडिंग आ रही है और बल्ब की जो फिलामेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ग्लो मैक्सिमम यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो ये हमने फाइंडिंग यहाँ पे रीडिंग लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट टर्न्स देते रहेंगे, जैसे जैसे रिवर्स में भी कर सकते हैं, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है, और हमारे पास रीडिंग वापस जीरो पे आ जाती है और ये रीडिंग आपने वन बाय वन नोट करती जानी है और यहाँ पे हम इसका टेबल बना लेंगे।